यत्र ब्रह्म चक्षत्रं च सम्यञ्चौ चरतः सः तमलोकं पुण्यं प्रदेशं यत्र देवः सयग्निना ओम शांति शांति शांति। पूज्य अध्यक्ष श्री आचार्य बलदेव जी एवं अन्य साधु वृंद, मान्य श्री कैप्टन साहब प्रधान सार्वदेशिक सभा, हमारे इस संपूर्ण कार्यक्रम के संयोजक श्री ब्रह्मचारी राज सिंह जी, इस मंच पर उपस्थित सभी विद्वज्जन, मेरे समक्ष उपस्थित विश्व के कोने कोने से आए हुए हमारे अतिथिगण, माताओं बहनों सज्जनों, देश के होनहार युवाओं तथा प्यारे बच्चों, राष्ट्र रक्षा होनी चाहिए, ये आप चाहते हैं, कौन नहीं चाहता। भारत अध्यात्म में, ज्ञान विज्ञान में जो विश्व का गुरु था, शक्ति में विश्व सम्राट था, संपदा में सोने की चिड़िया था, एत देश प्रसूतस्य सकाशाद् अग्र जन्मना, धर्मशास्त्रकार मनु महाराज के इस वाक्य के अनुसार संपूर्ण विश्व के भूमंडल के लोग इस धरती पर आकर इस धरती को चंदन समझकर माथे पर लगाते थे और यहां के गुरुओं के चरणों में बैठकर शिक्षा ग्रहण करते थे। आज वो भारत आतंकवाद का अड्डा बन चुका है, यही सोचने की बात है कि शक्ति संपत्ति अध्यात्म ज्ञान विज्ञान का गढ़ भारत विदेशियों का गुलाम क्यों बन गया, कभी आपने सोचा? जब आप रक्षा करने की बात कहते हैं तो मैं ये विचार करता हूं रक्षा करने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है, क्या कारण है? हम गुलाम हो गए, अपने वेद पथ को छोड़कर मत मजहब में हम फंस गए, अपने दुष्टों को वैदिक मंतव्य के अनुसार उचित दंड न देकर क्षमा करते चले गए, चेतन ईश्वर की शक्ति को प्राप्त न करके जड़ के सामने माथा झुकाते चले गए और पुरुषार्थ को छोड़कर भाग्यवाद और तारों को देखते रह गए, जिसका परिणाम निकला इस भारत वर्ष की बर्बादी। यदि आप इसे बचाना चाहते हैं तो आपको उन सब वेद विरुद्ध मान्यताओं को यहां रहकर छोड़ना होगा, तभी आपका भारत बचेगा। वेद मंत्र यही बात कहता है, यत्र ब्रह्म च क्षत्रम च, जहां सद ज्ञान होता है, जहां सच्चे ईश्वर की प्रेरणा होती है, जहां नागरिक पूर्ण ज्ञानी होते हैं और ज्ञानी होने के साथ साथ जहां के नागरिक देश धर्म बलिदान करने वाले होते हैं, वयम तुभ्यम बलिहत श्याम, वो राष्ट्र स्वर्ग भूमि बनता है, जहां मिलकर सभी लोग यज्ञ करते हैं और राष्ट्राय स्वाहा इदम राष्ट्राय इदम्भम का मंत्र बोलते हैं, तभी राष्ट्र बचेगा। यदि आपके अंदर त्याग की भावना है, यदि आपके पास राष्ट्र चिंतन के लिए, गौ रक्षा के लिए, युवाओं के लिए कुछ समय है तो राष्ट्र बच सकता है। निश्चित मत है कि आज भी भारत विश्व गुरु हो सकता है, विश्व की शक्ति। आज भारत इसलिए पीछे जा रहा है क्योंकि हमें सुझाव देने वाले, हमारे नेताओं को आज गलत मार्ग दिखाने वाले विदेशी लोग इस भारत का विश्व में स्थान नहीं चाहते, वो विश्व शक्ति बनने देना नहीं चाहते, ये सच्चाई है। भारत में आतंकवाद क्यों आया, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। देश की 60 वर्ष की आजादी के बाद भी गौ हत्या क्यों नहीं रुकी? संविधान की धारा 48 कहती है स्वतंत्रता के पश्चात गौ हत्या बंद हो जाए, क्यों नहीं हुई बंद? यह किसका कसूर है, मैं आपसे जानना चाहता हूं। इस देश में 1948-47 संहिता हो, एक तरफ दो बच्चे और एक तरफ 50 और 60 12 बच्चे, एक तरफ एक पत्नी और एक तरफ चार पत्नी,
और भारत सरकार बनती है वैज्ञानिकों से नहीं, डॉक्टरों से नहीं, इन वेद के विद्वानों से नहीं, भारत सरकार बनती है मोहर के ठप्पे से। जिसके पास मोहर होगी वो भारत पर राज्य करेगा, और जो राज्य करेगा उसका ही मजहब चलेगा, आपका नहीं चलेगा। हस्ताक्षर करवाइए, बहुत अच्छी बात है, पर मैं आपसे जानना चाहता हूं, हस्ताक्षरों से भी पहले जब सुप्रीम कोर्ट ये निर्णय देती है कि समान कानून संहिता लागू करो, तो देश के पार्लियामेंट में बैठे हुए लोग उसको नकार देते हैं कि इसकी आवश्यकता नहीं है। समाज के दीवाने 1979 में यह बिल पास करवाने का प्रयास करते हैं, धर्मांतर नहीं होना चाहिए, तो देश में बैठे हुए मदर टेरेसा के पादरी और मौलवी उसका विरोध करते हैं। सरकार उस बिल को पास होने देना नहीं चाहती। जब देश का उच्चतम न्यायालय यह निर्णय करता है एक समान राज्य व्यवस्था होनी चाहिए जाति पाति के अनुसार नहीं, तो हमारे देश का पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी एक स्पेशल बिल ला करके उसको गिरा देता है। क्या औकात है आपकी सुप्रीम कोर्ट की? क्यों आप मसले जा रहे हैं? इसी कारण कि आपने इस बात को कभी नहीं माना कि राज वो करता है जिसके पास शक्ति होती है, जिसके पास वोट पावर होती है, और वो पावर आज आपके पास नहीं है। भारत सरकार मजबूर है, अफजल खां को छोड़ रही है। क्यों पूछो जाकर, इमाम बुखारी जिसके ऊपर नॉन अवेलेबल वारंट है वो दिल्ली में खुलेआम घूमता है, क्यों पकड़ा नहीं गया? तो एक जज से मैंने पूछा, हमारे ढींगरा जी यहाँ के एक बहुत अच्छे जज हैं भारत के, मैंने कहा इनको क्यों नहीं पकड़ा जा रहा? बोले बलवा हो जाएगा। इसका मतलब है कि आज पूरी भारत सरकार गुंडों के सामने, आतंक फैलाने वालों के सामने झुक चुकी है। भारत में कोई शासन शेष नहीं है। कोई मीडिया का व्यक्ति यहां बैठा हो, कोई नेता बैठा हो, मेरी बात तक ऊपर को पहुंचाए, विचार करे कि आज देश में शासन किसका है, आतंकवादियों का? अभी मैं दो दिन पहले सुन रहा था, जिस मां ने अपना बेटा खोया, जिन बच्चों ने अपना पिता खोया, जिस धर्म पत्नी ने अपना पति खोया, संसद की रक्षा करते हुए उसके घर के सामने आकर गुंडे ये कहते हैं, यदि तुमने अफजल खां की फांसी के लिए जोर लगाया तो हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। शर्म की बात है ये, आपका भारत का शासन कहीं नहीं दिखता है। ये पुलिस अधिकारी बैठे हैं, पूछ लेना इनसे। मैं कारगिल के समय में कश्मीर में था, सब पुलिस वालों के, मिलिट्री वालों के हाथ बांध रखे हैं, इनको कुछ मत कहो, क्योंकि बाबा गांधी ये कह गए थे, एक तरफ कोई थप्पड़ मारे तो दूसरी तरफ खा लेना, चलते रहो मुन्ना भाई, थप्पड़ खाते रहो, गौओं को कटवाते रहो, देश का बेड़ा गर्क करते रहो, लेकिन इन गद्दारों के विषय में कुछ मत बोलो। आज ये पिक्चरें तुम्हारे लिए लाई जा रही हैं कि भारत का बंटवारा हो जाए। मैं आपसे कहना चाहता हूं, भारत क्या है सब कुछ समझो। गांधी जी, नेहरू जी प्रयास करते रहे मुस्लिम और हिंदुओं की एकता हो जाए, उन्होंने कहा हम नहीं रह सकते। सर सैयद अहमद खान ने कहा टू नेशन थ्योरी और उसको अपना लिया जिन्ना साहब ने, मुस्लिम लीग बन गई। मुस्लिम लीग का बनाने वाला जिन्ना नहीं है, पढ़िए इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटानिका, उसको बनाने वाला अंग्रेज है। और भारत बट गया, मुसलमानों को पाकिस्तान मिल गया, तो झगड़ा था मुसलमान और हिंदू के बीच, और दंगे होते थे, दुंगे कटती थी। जब उनको मुसलमानों को पाकिस्तान मिल गया तो बाकी क्या बचा, किसका हिस्सा बचा बोलो? कहां है हिंदू? चैनल चल रही है उर्दू, संस्कृत की नहीं है। चिश्ती की दरगाह को पाला जा रहा है जिसने गौरी गद्दार को बुलाया था, और भूल की थी पृथ्वीराज चौहान ने कई बार छोड़कर और उसको काटा नहीं। ये भूल की थी मोहम्मद बिन कासिम के हमले पर, महाराजा दाहिर ने 8 बार हमला हुआ था सिंध के ऊपर, छोड़ दिए गए, मलम पट्टी की गई, रोटी खिलाई गई उन मुगलों को। और जैसे ही 9वीं बार मोहम्मद बिन कासिम ने हमला किया, जितने अंदर मिले हुए मुसलमान थे कुरान का नाम लेकर अल्लाह अकबर की बात कह के मुस्लिम मुस्लिम भाई भाई उसके साथ मिल गए,
अंदर हमला कर दिया और दाहिर हार गया और गर्दन काट दी गई। बोलो, समझौता आप किससे चाहते हो? यह सच्चाई है। मैं इतिहास के पन्ने आपके सामने रखता हूं। पहला, इस देश का अध्यक्ष मौलाना आजाद, उसकी लिखी पुस्तक इस्लामिज्म इंपीरियलिज्म नेशनलिज्म पृष्ठ संख्या 117। भारत के साथ जो और देशों के भी लोग आए हैं वो भी सावधान हो जाएं। जिस तरह से याद यहां पर बहुसंख्यक इस्लामिक आतंकवादी खड़े होकर यहां को बर्बाद कर चुके हैं, अपने देश को बचाना, भारत के समान देश को बर्बाद मत होने देना। कैसे बचाना? जैसे चीन ने बचाया है लाखों को काट कर बाहर निकालकर। कोई लाउडस्पीकर नहीं चल सकता, कब्रों पे बुलडोजर फेर दिया, कोई कब्र नहीं बना सकता, एक से अधिक बच्चा नहीं पैदा कर सकता मुसलमान। एक देश, एक कानून, एक जनता। कहां है भारत में? संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं सज्जनों। धारा 51 कहती है भ्रातृभावना, और ये कहते हैं मरो कटो। बंबई वाले बहुत अच्छे हैं क्योंकि शांति रखते हैं, ये बहुत अच्छे हैं, ताकि अगर दोबारा आतंकवादी हमला करें तो शांति बनाए रखना। ये देश का नेता कहता है। जापान ने 6 लाख मुसलमान को बाहर निकाल दिया, केवल 2 लाख रखता है, कोई मुस्लिम एम्बेसी नहीं है। चलिए बर्मा की तरफ, 2 लाख मुसलमान को निकाल दिया, क्योंकि जब भी ये ज्यादा संख्या में होते हैं ये बवाल करते हैं। किस बात के लिए? दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम बनाएंगे। ये देश दारुल हर्ब है, इसको दारुल इस्लाम बनाना है। ये साधारण दंगे नहीं है, ये विधिवत जिहाद है भारत को मुस्लिम झंडे के नीचे लाने के लिए। सुनिए मौलाना आजाद क्या कहता है। अंग्रेजों के जाने के पश्चात हम भारत को यूं ही नहीं छोड़ देंगे। यहां पर हमारे पूर्वज मुगलों ने 900 साल राज किया है, हम इसको अपने अधीन रखेंगे। ये प्यारा प्यारा अध्यक्ष कांग्रेस का। दूसरा, ये दूसरा जो अध्यक्ष था हकीम, ये अजमल खां, हकीम अजमल खां क्या कहता है उसकी भी बात जरा सुन लीजिए, वो भी बहुत अच्छी बात कहता है। हकीम अजमल खां कहते हैं, एक किनारे पे भारत होगा, दूसरे पे अरब होगा। अंग्रेजों के जाने के बाद हम छोड़ेंगे नहीं हिंदुओं के भरोसे भारत को, एक पूरा इस्लाम संघ बनाएंगे। तीसरा, श्री गांधी और नेहरू जी का विशेष प्रिय मिस्टर मदनी, खिलाफ आंदोलन में भी उसने काम किया और देवबंद के साथ भी जुड़ा रहा अध्यक्ष बनकर, जहां रोज फतवा जारी होता है, हम वंदे मातरम नहीं मानेंगे, हम गौरक्षा नहीं मानेंगे, अब हम ये नहीं मानेंगे, हम वो नहीं मानेंगे, हम मुसलमान है, हमारा संविधान अलग है। अरे कुरान के अनुसार तुम्हारा संविधान है तो कुरान के अनुसार जो चोर है उनको हाथ भी तो कटवाओ, उनके पैर कटवाओ, जो बलात्कारी है मिट्टी में दबाकर गला भी तो कटवाओ। ध्यान दीजिए मिस्टर मदनी क्या कहता है, पाकिस्तान बनने से हमारा मामला हल नहीं होता। क्यों? ये हमारे मुख्य उद्देश्य नहीं है। हां, हमारे रास्ते में भारत को इस्लामिस्तान बनाने की रुकावटें समाप्त हो गई हैं। एक और व्यक्ति प्रिय भारत का, एफ आर दुरानी, द मीनिंग ऑफ पाकिस्तान पुस्तक में लिखता है, पाकिस्तान हमारा मुख्य लक्ष्य नहीं है, पाकिस्तान हमारा बेस कैंप है, जिसको बेस बनाकर पूरे भारत के अंदर इस्लाम का झंडा लहराएंगे। वो पाकिस्तान बेस बना हुआ है। अनेक बार भारत कह चुका, आतंकवादी ये कैंप समाप्त करो, मुशर्रफ ने कभी समाप्त नहीं किए, और बुश साहब हमेशा कहते हाथ पकड़ के रखो, इसका हाथ पकड़ो। और अब नया फैसला क्या हुआ है कि गुंडागर्दी को, आतंकवाद को, आतंकवाद के सरदार के साथ मिलकर बंद किया जाएगा, मोहल्ले की बहनों को, गुंडों को साथ लेकर बचाया जाएगा। यानी मोहन के दूध का रखवाला मुशर्रफ बिल्ला, जो ये कह चुका है यदि कश्मीर का मुद्दा नहीं भी रहा तो भी पाकिस्तान और हिंदुस्तान पे हमला करता रहेगा, क्योंकि हिंदुस्तान हिंदू का देश है और पाकिस्तान मुसलमान का देश है। ये मैंने आपके सामने प्रमाण रखे हैं, उनके नेता कुतुब आदि कह चुके हैं, इस्लाम को सोचिए, आपके धर्म निरपेक्षता से कुछ लेना देना नहीं है। हमारा संविधान कुरान है, और जहां जहां दुनिया में कुरान के अनुसार सरकार है
वो अल्लाह की सरकार है या कुरान की सरकार नहीं है, याद रखना वो शत्रु की सरकार है, उसको समाप्त करना हमारा मुख्य उद्देश्य है। अब उपाय क्या है आपका कि धारा 25 के अनुसार मजहबों पर प्रतिबंध लगे, धारा 50 के अनुसार भ्रातृ भावना बने, इसका एक ही उपाय है वो मैं बता देता हूं, क्या? अपनी वोट को बढ़ाओ, आंदोलन करो। वो आंदोलन के बिना आप जी नहीं सकते। जाओ लाहौर में, कराची में, तिब्बत में जाइए और इधर डीमापुर नागालैंड जाइए, आप कोई सम्मेलन वहां नहीं कर सकते। अपनी वोट बढ़ाओ, हर आर्य समाज के अंदर गरीब और अनाथ के बच्चों को रखा जाए, हर 55 वर्ष के ऊपर का व्यक्ति अपना जीवन दान करे, उसके बिना कोई कार्य होने वाला बिल्कुल नहीं है। 1906 में आवाज लगाई थी इसी मंच पे, रंग पगड़ी संभाल जट्टा पगड़ी संभालोए, इसलिए शक्ति रेव जयते बलम उपास्व, संकट की घटाओं में न डरना सीखो, तूफानों से टकराकर उभरना सीखो, जहरे पीकर दयानंद ये बोला था, जीने की तमन्ना है तो करना सीखो, जीने की तमन्ना है तो मरना सीखो। सर्वव्यापक है, आत्मा नित्य है, शरीर का कोई भरोसा नहीं, जीवन का उद्देश्य वेद के मार्ग पर चलते हुए उसको प्राप्त करना है। इसलिए एक संकल्प लेके जाइए, हमारे जीवन की आहुति दी जाएगी और हम अपने भारत को स्वर्ग बनाएंगे। भारत बचेगा तो विश्व बचेगा। अंतिम बात कहूंगा, वैदिक संस्कृति के बिना कभी शांति नहीं होगी। दो बातें मैं आपको कहता हूं, क्यों? वेद ईश्वर की वाणी है। बहुत से मुसलमान ईसाई लोग बैठे हैं, च्यवनप्राश खाते हैं। क्यों जी? च्यवनप्राश खाने वाले किसी व्यक्ति को पेट का दर्द होता है क्या? सिर दर्द होता है क्या? अकाल मृत्यु आती है? नहीं। जैसे वेद के एक सूत्र से बनाया च्यवनप्राश पूरे विश्व को जीवन देता है, अगर पूरे विश्व के लोग बुश और ब्लेयर लादेन भी उस वेद को मान ले तो दुनिया से आतंकवाद की समाप्ति हो जाए और अमृत रस का पान हो जाए। दूसरी बात, अंतिम बात कहकर विराम दूंगा कि आप एक बात ध्यान में रखिए, दुनिया का कोई भी व्यक्ति दुखी होता है, मेंटल स्ट्रेस में है, डिप्रेशन में है, कहां जाता है? अमेरिका, जापान, याद रखना जर्मन, इंग्लैंड, इन सब देशों के लोग हमें मिलते हैं। जब ये दुखी उदास होते हैं कहां जाते हैं? अमेरिका नहीं जाते, लंदन नहीं जाते, भारत में आते हैं। क्यों? भारत मां है। इंग्लैंड का व्यक्ति नहीं बोलता इंग्लैंड मम्मी की जय, अमेरिका का व्यक्ति अमेरिक पिता की जय नहीं बोलता, पाकिस्तान पाकिस्तान अम्मा की जय नहीं बोलता, भारत कहता है भारत माता की जय, भारत विश्व की माँ है। इस माँ के पास आकर सबको शांति मिलती है। ये भारत माँ बचेगी तो विश्व बचेगा और विश्व बचेगा तो ईश्वर की प्राप्ति होगी। आओ इस मार्ग को अपनाएं, राष्ट्र की रक्षा करें, जीवन की भेंट चढ़ाएं। ओम शांति शांति शांति। ओम। समय आप देख रहे हैं, ये मैंने आपके लिए कुछ साहित्य की रचना की है, मुस्लिम राजनीति से अनभिज्ञ आतंकवाद को बढ़ाते राजनेता, इन्हीं दिनों में लिखा है, बहुत आवश्यक पुस्तक है जो मैंने प्रमाण दिए हैं। आर्य खालसा हिंदुओं की हत्या बाद में कर लेंगे, देश के साथ अन्याय, ये आप बाहर कहीं भी ले सकते हैं, मात्र 15 रुपए में ये 2-3 पुस्तकें हैं। धन्यवाद।